नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के बहुत ही ऑफिशियल इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी चेन्नई का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है। अभी अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, तो उस अपडेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ खुलेगा जहाँ पे बताया गया वैलिड एप्लीकेशन जो एनटीपीसी में फिल हुए हैं उसके बारे में बताया गया, जोन वाइज कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन फिल किया गया उसे हम देख लेते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसका पीडीएफ। मैंने यहाँ डाउनलोड किया, तो यहाँ पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है पीडीएफ में। अहमदाबाद जोन का देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी से जो टोटल फॉर्म फिल हुआ है वो 46,004,61,677, और जनरल कैटेगरी में देखिएगा 1,22,000, ओबीसी में देखिएगा 411, बहुत कम पोस्ट हुआ है ओबीसी में, मतलब कंपटीशन बहुत कम है अहमदाबाद से। उसके बाद एससी एसटी देखिएगा, एससी एसटी देखिएगा 98,98,525 है, और एससी देखिएगा 52,778, और टोटल आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस का केवल 12,000 पोस्ट है, 12,000 एप्लीकेशन आया ईडब्ल्यूएस का अहमदाबाद से। उसके बाद अजमेर का देखिएगा 1,73,800 अनरिजर्व, टोटल यहाँ बात करें तो 8,57,690। उसके बाद इलाहाबाद का देखिएगा, बाकी कैटेगरी का देख लीजिएगा, ओबीसी में क्रीमी लेयर 5,947 और 1,86,553 और 5,195, बाकी सब कैटेगरी का आप देख लीजिएगा, मैं केवल जनरल का बताता हूँ। इलाहाबाद जोन का देखिएगा, जनरल कैटेगरी देखिएगा 4,54,564, टोटल फॉर्म फिल हुए हैं यहाँ देखिएगा 18,00,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं, 18,08,136 फॉर्म फिल हुए हैं इलाहाबाद जोन से। उसके बाद बेंगलुरु का देखिएगा 1,58,000 जनरल कैटेगरी, जो कि बहुत कम कंपटीशन यहाँ शो कर रहे हैं, और यहाँ देखिएगा 2,954। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ 8,35,288,235,288 फॉर्म टोटल फिल हुए हैं बेंगलोर से, जो कंपटीशन ज़्यादा करते हैं। भोपाल देखिएगा, जनरल कैटेगरी 1,44,500, और अगर हम बात करें टोटल एप्लीकेशन के बारे में तो 5,61,535। उसके बाद भुवनेश्वर देखिएगा, भुवनेश्वर में फिल हुए हैं 75,98, ठीक है, और टोटल फॉर्म फिल हुआ है 2,08,974, ठीक है। बिलासपुर देखिएगा केवल 83,835 जनरल कैटेगरी में, और टोटल 3,80,246 फॉर्म फिल हुआ है टोटल यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा चंडीगढ़ में 4,39,241 टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 11,73,523। चेन्नई का देखिएगा 1,23,648 टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 9,32,028 फॉर्म। उसके बाद देखिएगा गोरखपुर का 78,650 जनरल कैटेगरी, और टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 3,81,520। उसके बाद गुवाहाटी के बारे में बात करें तो 63,221, और टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 2,19,933। जम्मू कश्मीर का देखिएगा 68,781 और यहाँ पे टोटल देखिएगा कितना आ गया जम्मू कश्मीर 1,80,272। उसके बाद कोलकाता के बारे में बात करें, कोलकाता का देखिएगा 2,83,791 और टोटल के बारे में बात करें तो 8,15,121। मालदा का देखिएगा 52,701 है, और टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 2,37,437। मुंबई के बारे में देखिएगा, टोटल जनरल का यहाँ फॉर्म फिल हुआ है 2,71,921, कंपटीशन ज़्यादा जनरल का। अगर टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 11,44,836। मुजफ्फरपुर का देखिएगा, बहुत कम कंपटीशन इस बार होगा, मुजफ्फरपुर का फिर से कट ऑफ कम जाएगा, 17,405 है, और टोटल यहाँ केवल 74,000 फॉर्म फिल हुए हैं। उसके बाद पटना का देखिएगा तो 70,385 और टोटल यहाँ पे 3,59,846, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, जितना फॉर्म है जनरल के लिए कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद रांची का देखिएगा 83,768 रांची, ठीक है ना, 83,768 हो गया, और यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 4,70,267 फॉर्म फिल हुए हैं। सिकंदराबाद का देखिएगा रांची के बाद 1,54,436 है टोटल सिकंदराबाद से फिल हुए हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, टोटल सिकंदराबाद से फिल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है ना,
11,35,658। और यहाँ देखिएगा सिलीगुड़ी का 17,03,02 जनरल कैटेगरी, टोटल यहाँ फॉर्म फिल हुआ है 72,569। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ठीक ठाक कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा सिलीगुड़ी से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ तिरुवनंतपुरम से तो 79,285 बहुत कम कंपटीशन है। टोटल यहाँ 2,77,045 फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, अगर हम टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 1,25,88,524 फिल हुए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो 3,30,28,520 फॉर्म। ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में बात करें तो 1,66,408। एससी के बारे में बात करें तो 2,26,81,753। एसटी के बारे में बात करें तो 8,60,826। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करें तो 54,50,511। और ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म फिल हुआ 4,506। टोटल यहाँ 1,25,88,524 है। एक्स सर्विसमैन का अगर हम टोटल बात करें, जोन वाइज आप देख लीजिएगा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो जोन वाइज आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोटिफिकेशन तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कंपटीशन केवल 1,25,88,524 लोगों के साथ है। अब हम बात करें कि किस जोन का कट ऑफ कम जा सकता है, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसको एनालाइज करने के बाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी का एग्जाम कब तक हो सकता है 7th फेज का। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका 7th फेज का एग्जाम होगा। जुलाई में मुझे कम चांस लगता है, अगस्त में ज़्यादा चांस लगता है कि अब अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही 2-3 दिन में आपका एग्जाम भी खत्म हो जाए 7th फेज का, ठीक है ना। तो बहुत जल्द आपके सामने एग्जाम का नोटिस आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का। ग्रुप डी का भी एग्जाम आपको अगस्त के 20 तारीख के बाद से आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा किसी को कोई और भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।